हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज मैं एमसीयू के दो बड़े खतरनाक और बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल विलन यानी कि एमसीयू का एबोमिनेशन को एमसीयू के ब्लैक ऑर्डर के कल ऑब्सीडियन के अगेंस्ट कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी एक जैसे हैं। जहाँ दोनों अच्छे फाइटर हैं, दोनों काफ़ी भयंकर और बड़े बड़े डोले शोले भी रखते हैं। वैसे अगर आप नए हैं या आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबोमिनेशन की। तो गाइस, एबोमिनेशन कोई और नहीं बल्कि एमिल ब्लोंस्की है, जिसे सुपर सोल्जर सीरम मिला और उसके बाद हल्के स्टोर हुए डीएनए इंजेक्ट किए गए और वो एबोमिनेशन बन गया। लेकिन उसके बॉडी में स्केलेटन स्पाइक्स थे, जो जितने शार्प थे उतने ही स्ट्रॉन्ग भी, जिसे एबोमिनेशन हल्के अगेंस्ट यूज़ भी करता है, जो हल्क के स्किन को चीर के उसके अंदर तक चला गया और उसने हल्क के छाती को पेनिट्रेट किया है, यहाँ तक कि वो सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी या सुपर स्पीड और सुपर लीप्स भी कर सकता है, यानी कि वो लॉन्ग जंप्स, जिससे कुछ ही समय में एबोमिनेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के केपेबल है, या उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी, जो सामने आए गाड़ियों को ईजिली पिक करके थ्रो कर चुका था, या हल्क को भी अपने पंचेस या किक्स के थ्रू काफ़ी दूर पहुँचा देता है, या उसके रिफ्लेक्सेस, जिसने हल्क को काफ़ी बार बीच फाइट में ही डॉच किया है, या फिर एक फुल फोर्स में आए आरपीजी मिसाइल को भी कैच कर लिया था, जो कि काफ़ी फास्ट था, यहाँ तक कि उस मिसाइल ब्लास्ट से उसे कुछ भी नहीं हुआ, जो उसकी सुपर ड्यूरेबिलिटी को भी शो करता है, या वो काफ़ी बार कई सारे हिट्स हल्क के ले चुका था और उन सब से भी उसे कोई माइनर इंजरीज भी नहीं हुई। वहीं बात करें उसकी हीलिंग फैक्टर की, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्विक था, जहां ब्लोंस्की का सुपर सीरम उसके बड़े इंजरीज को एक दिन से कम टाइम में भी हील कर देता है, या वो जब एबोमिनेशन बना तब तो वो बुलेट्स या हल्के हिट से भी हील कर जाता है। साथ ही उसके बैटल स्किल्स भी काफ़ी एडवांस और क्विक थे, जिस कारण वो हल्क के सामने टिक भी पाया काफ़ी देर तक। अब बात करते हैं कल ऑब्सीडियन की। तो गाइस, कल ऑब्सीडियन ब्लैक ऑर्डर टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जिसने आयरन मैन को हैंडल किया न्यूयॉर्क पे, या कार्स को वो इजीली किसी बॉल की तरह थ्रो कर चुका था, या उसका अपने स्ट्रेंथ से हैमर को थ्रो करना, जो आयरन मैन को भी कई मीटर्स दूर ले जाता है, या स्पाइडी या एक कार तक को थ्रो करता है, या फिर वकांडा में भी वो अपने एक हिट से ही हवा में रहे वॉर मशीन को नीचे गिरा देता है, प्लस वो हल्क बस्टर सूट के एक आर्म को उखाड़ फेंकता है अपने स्ट्रेंथ के बल पर। वहीं उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, जिसने आयरन मैन के रिपल्सस ब्लास्ट या कई हिट्स को लिया है, या स्पाइडी के थ्रो किए उस कार अटैक से भी उसे कुछ नहीं हुआ, और तो और वो हल्क बस्टर के पंचेस या उसके भी रिपल्सर ब्लास्ट को झेल गया, या एंडगेम में ड्रैक्स के कई नाइफ अटैक से भी उसके बॉडी को कोई बड़े घाव नहीं दे पाए। वैसे ही कल ऑब्सीडियन एक अच्छा फाइटर था, जिसने एक मोमेंट पर स्पाइडी के रिफ्लेक्सेस को मैच किया, या एडवांस सूट में रहे आयरन मैन से फाइट करी खुद की उतनी हैवी बॉडी होते हुए भी, यहाँ तक कि एंड गेम तक में भी आयरन मैन कल ऑब्सीडियन के हाथों मरने के करीब पहुँच गया था, जहाँ स्पाइडी को फिर बीच में आना पड़ा। साथ ही वो वेपन जैसा चेन हैमर को यूज़ करने में काफ़ी एक्सपर्ट था, जो कई मीटर्स दूर तक थ्रो किया जा सकता था, या कभी उसे कल ऑब्सीडियन एक शील्ड में भी ट्रांसफॉर्म करके आयरन मैन के रिपल्सस बीम को डिफेंड करता था, और तो और वो उसे एक क्लॉ की तरह भी ट्रांसफॉर्म कर चुका है, जिससे वो स्पाइडी को होल्ड करता है, या उसकी हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जहां उसकी बॉडी आयरन मैन के बीम्स को लेने के बाद भी उन अटैक से हील हो गई थी। हाँ, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स दोबारा ग्रो नहीं हो सकते थे, जिस कारण वो एक साइबरनेटिक आर्म लगाकर वकांडा आया था, लेकिन तब भी उसकी स्ट्रेंथ, कॉम्बैट स्किल्स या स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो गाइस, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो गाइस, दोनों ही कैरेक्टर्स हमें एमसीयू में बहुत ही कम टाइम के लिए दिखे हैं, जिस कारण इनकी डिटेल्स या फीड्स काफ़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप देखें कि एबोमिनेशन उस हल्क को टक्कर देता है, जो एमसीयू में सबसे पहली बार अपीयर हुआ है, और उससे भी हार जाता है, जबकि कल ऑब्सीडियन आयरन मैन और स्पाइडरमैन के ऊपर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ ही रहा था न्यूयॉर्क बैटल में, या वकांडा में हल्क बस्टर के ऊपर भी उस हल्क बस्टर के ऊपर जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क को भी काफ़ी हद तक भारी पड़ा था, जिसका मतलब कल ऑब्सीडियन
एबोमिनेशन के अगेंस्ट और इस सुपर कंपैरिजन का भी विनर है। वैसे भी कल ऑब्सीडियन ब्लैक ऑर्डर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जिसका चेन हैमर या बैटल स्किल्स एबोमिनेशन से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस है अभी तक दिखे एमसीयू फीट्स के बेसिस में। तो गाइस, ये थी एबोमिनेशन वर्सेस कल ऑब्सीडियन के ऊपर एक सुपर कंपैरिजन वीडियो, जहां मैंने दोनों के स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी या जो भी फीट्स या डिटेल्स दिखे हैं एमसीयू में पॉसिबली अभी तक, उन सभी को बताने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर विलन लगता है या आपको कौन पावरफुल लगता है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नई चैनल कैप्टन हेमंत 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज़ आवर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।